खबर बरेली से है, जहां किला थाना क्षेत्र के बाकरगंज में दो युवकों के बीच शराब पीने के दौरान किसी बात पर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों युवकों के परिवार के दर्जनों लोग आमने सामने आ गए और पथराव करने लगे। आपको बता दें कि बरेली के एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि पथराव और हंगामे की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दी है। दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। कल दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को जनपद बरेली के थाना किला के अंतर्गत पड़ने वाले बाकरगंज एरिया में दो व्यक्तियों सौरभ और शानू, जो कि आपस में मित्र हैं, ये दोनों शराब का सेवन कर रहे थे और कुछ देर बाद दोनों के मध्य एक विवाद हो गया। विवाद बढ़ गया और इनके परिवार वाले भी उसमें जुड़ गए और आसपास के कुछ और भी लोग आ गए। इसके दौरान कुछ लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके, जिसके उपरांत पुलिस सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंची। मौके पर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया और चौकी इंचार्ज बाकरगंज द्वारा इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया। अभी तक इस प्रकरण में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें जो वीडियो फुटेज है उनके माध्यम से लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी।